लगातार सम्मेलन कर रही है और आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लखनऊ में हैं, मंडल का सम्मेलन कर रहे हैं। सर क्या तैयारी आगे की? बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है और निश्चित है आने वाला जो भी चुनाव होगा उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी विजय हासिल करेगी बड़ी मजबूती के साथ। समाजवादी पार्टी के एक सांसद भी लगातार तारीफ कर रहे हैं, क्या उन्हें सब ले रहे? एक सांसद नहीं, कई सांसद तारीफ कर रहे हैं। इस देश का पूरा अल्पसंख्यक समाज, पूरा पिछड़ा समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग, SC ST समाज के लोग ये जान रहे हैं कि पीछे 22 में बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र करके बीजेपी का प्रचार तंत्र जो है इसने गलत तरीके से दिखाने का काम किया था। वो जो गलत तरीके से प्रचार तंत्र ने दिखाया था उसको हम षड्यंत्र को साफ करके पूरे वर्करों में जो जा रहा हूँ, वर्करों में बड़ा जोश है, उत्साह है और जिस सेना का जिस दल का वर्कर उत्साहित हो जाता है उसको कोई पिछाड़ नहीं सकता है। बहन जी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, अब मंडल के बाद जिलेवार जा रहे हैं, क्या तैयारी, क्या रणनीति? जिले में मैं जाऊंगा, जिले में हमारी सेक्टर वाइज मीटिंगें लगी हैं, उस सेक्टर की मीटिंग में हमारे कोऑर्डिनेटर जिला थे जो भी जिम्मेदार लोग जा रहे हैं और मैं भी हर जनपद में जाकर के उन मीटिंगों में शामिल होने का काम शुरू करूंगा 20 तारीख से लगातार। एक मेरा अंतिम सवाल की लगातार बसपा सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, 24 में क्या सोशल इंजीनियरिंग नहीं लेके आ रहे? बहुजन समाज पार्टी हमेशा बात किया है सर समाज की, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी की बात मानव साहब कह करके गए वही बहन जी कर रही हैं और आने वाले चुनाव में भी पूरा अल्पसंख्यक समाज, पूरा पिछड़ा अति पिछड़ा, SC ST न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों को इकट्ठा करके, इनका एक गठबंधन करके, इनका एक भाईचारा पैदा करके और इन्हीं के बल पर इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ने का काम करेगी। अंतिम सवाल की सपा बसपा पर हरदम आरोप लगाती रही कांग्रेस भी कि बीजेपी की बी टीम है और वही कैंडिडेट उतारती जिससे बीजेपी को फायदा होता है। बी टीम बताने को कोई रोक थोड़ी ना सकता है। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी BSP इसको बी टीम बताया गया और जो क्षेत्रीय पार्टी उसको लड़ाई में दिखाया गया। इस देश की SC ST जिसके पास 26% वोट है इसको बी टीम बताया गया और जिसका कोई बेस नहीं उसको लड़ाई में दिखाया गया। 10 सांसद BSP के बी टीम है, डमी है, 5 सांसद लड़ाई में है। ये बहुत गलत तरीके से षड्यंत्र हुआ था पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, ये षड्यंत्र में साफ करके सबको एक साथ जोड़ करके आगे माननीय बहन जी को, इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है और यहां बहुजन समाज पार्टी मजबूती से बड़े दल के रूप में आएगी, निश्चित है आगे इस देश की प्रधानमंत्री माननीय बहन जी बनेंगी। धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा जो BSP के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगे आने वाले दिनों में बेहद रणनीति के तहत हम चुनाव लड़ेंगे और बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आएंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।